तो अगर आप भी इंडियन रेलवे में तत्काल टिकट बुक करते हैं, ये दोनों का मतलब बहुत बड़ा डिपेंड करता है तत्काल टिकट में। आप लोग को लगता है ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही हैं, लेकिन नहीं, टिक करने पर पूरा प्रभाव पड़ता है तत्काल टिकट में। हम किस पे टिक करें या फिर ना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, दोनों ऑप्शन में टिक करना चाहिए या फिर पहला वाला पे टिक करना चाहिए या फिर दूसरा वाला पे टिक करना चाहिए या फिर किसी वाला पे भी नहीं टिक करना चाहिए। चाहते हैं कि नहीं सिर्फ मेरा टिकट कटे तो कन्फर्म ही कटेगा तो कन्फर्म ही कटेगा। तो अगर आप भी इंडियन रेलवे में तत्काल टिकट बुक करते हैं, तब दोस्तों आपको पता होगा ही कि जब आप तत्काल में टिकट बुक करते हैं उस टाइम आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन लिखकर आता है, पहला कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन और दूसरा बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर अलाउड। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होता है कि हम किस पे टिक करें या फिर ना करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ अच्छे से कि आपको टिक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, दोनों ऑप्शन में टिक करना चाहिए या फिर पहला वाला पे टिक करना चाहिए या फिर दूसरा वाला पे टिक करना चाहिए या फिर किसी वाला पे भी नहीं टिक करना चाहिए, और अगर हम किस पे टिक करें तो क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये दोनों का मतलब बहुत बड़ा डिपेंड करता है तत्काल टिकट में। आप लोग को लगता है ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही हैं, लेकिन नहीं, टिक करने पर पूरा प्रभाव पड़ता है तत्काल टिकट में। कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन और बुक ऑन लीफ कन्फर्म बर्थ आर अलॉटेड जो यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं ना, पूरा प्रभाव पड़ता है अगर आप तत्काल में टिकट बुक करते हैं। और दोस्तों मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कि आपको टिकआउट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर आपको टिकआउट करना चाहिए तो किस पे टिकआउट करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो में हम शुरू करते हैं कि आखिरकार उसका मतलब क्या है। दोस्तों देखिए, जब भी आप तत्काल में टिकट बुक करते हो या फिर जनरल में टिकट बुक करते हो, आपके सामने यहाँ पर तीन स्टेप में इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रेन टिकट बुक किया जाता है। इंडियन रेलवे के वेबसाइट हो या फिर दोस्तों इंडियन रेलवे के ऑफिशियल ऐप हो, IRCTC रेल कनेक्ट। दोस्तों पहला स्टेप में क्या होता है कि आप ट्रेन को सर्च करके प्रोसेस करते हैं। अब दोस्तों वहाँ पर आपको पैसेंजर का नाम प्लस वगैरह जो भी है आपको डिटेल सारे भरना पड़ता है। दोस्तों वहीं पर ऑप्शन लिखकर आता है पहला कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन और दोस्तों बुक ऑन लीफ कन्फर्म बर्थ आर अलाउड। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर आप तत्काल में टिकट बुक कर रहे हैं और अगर इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट ना करें तब आपको क्या होगा। तब अगर इन दोनों ऑप्शन में अगर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हैं तब दोस्तों अगर सीट होगा कंफर्म कटने वाला होगा तब दोस्तों आपका टिकट कंफर्म कर जाएगा, लेकिन अगर सीट खत्म हो गया होगा तब दोस्तों आपका जितना भी वेटिंग चल रहा होगा तत्काल में खटाखट आपका वेटिंग नंबर मिल जाएगा। अब दूसरा, अगर आप तत्काल में टिकट बुक कर रहे हैं और इन दोनों ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन पे टिक करते हैं, मतलब कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन में अगर आप टिक करते हैं तब वो टिकट में भी वैसे ही होगा जैसे पहला वाला में, मतलब कुछ में आप टिकआउट नहीं कीजिए या फिर अगर टिकआउट कर लिए हैं तो कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन आउट किए हैं तब आपका क्या होगा कि सीट खाली होगा तब तो कंफर्म कर जाएगा, सीट नहीं खाली होगा वेटिंग में कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये फायदा हो जाने वाला है को कि अगर आप कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन में टिकट कर लिए हैं ना, तो इसका मतलब होगा कि अगर मान के चलिए ट्रेन चार्ट बनने तक आपने स्लीपर क्लास में टिकट बुक किया है, और अगर मान के चलिए कि स्लीपर क्लास में सीट बिल्कुल भी खाली नहीं है लेकिन थर्ड एसी में सीट खाली है, तो आपका जो है टिकट, चूँकि आपने कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन में टिकट किया है, इसका मतलब होता है, मतलब मैंने स्लीपर में काटा है लेकिन इसमें सीट पूरी तरीके से भर गया है, थर्ड एसी में बिल्कुल खाली है, तो आपका टिकट जो है वेटिंग वो सीधे थर्ड एसी में चला जाएगा। आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा उतना ही पैसा में, कब, जब आप कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन में टिक किए हैं। लेकिन रुकिए, 99% ऐसा तत्काल टिकट में नहीं होता, तत्काल टिकट तो कंफर्म होता ही नहीं है जनरली ज़्यादातर, तो आपका कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन में थर्ड एसी में कैसे चला जाएगा। और मान के चलिए अगर थर्ड एसी में सीट खाली रहा भी तब आपको थोड़ी लेगा, तत्काल वालों को थोड़ी लेगा, उनको लेगा जो लोग, जो पैसेंजर, जो रेल यात्री अपना दो दो महीना, तीन तीन महीना, एक एक महीना से पहले वेटिंग में अपना टिकट बुक किए हैं उनको लेगा। आप एक दिन पहले तत्काल में वेटिंग टिकट बुक किए हैं, आपको थोड़ी ले लेगा थर्ड एसी में, उनको लेगा जो लोग पिछले एक महीना से इंतज़ार कर रहे हैं। और वो कौन इंतज़ार कर रहे हैं, रेल यात्री, GNWL वाला वेटिंग, अगर आप जानते होंगे तो पहले उनको लेगा। इसलिए दोस्तों आपको कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन में जो है हम बताएंगे आगे कि टिकट करना है किस पे और किस पे टिक नहीं करना है। अब हम तीसरा बात करते हैं, मान के चलिए कि आपने सेकेंड ऑप्शन वाला पे टिक आउट किया, किस पे, बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ आर अलाउडेड, तो इस पे क्या होगा, जब भी आपका टिकट कटेगा तब सिर्फ कन्फर्म ही कटेगा, वेटिंग लिस्ट आपको नहीं कटेगा कभी भी नहीं। अगर आप सिर्फ बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ अलाउड पे टिक आउट करते हैं तो जब भी आप ट्रेन में तत्काल टिकट बुक करेंगे तब सिर्फ और सिर्फ आपका कन्फर्म टिकट कटेगा, अदरवाइज कटेगा ही नहीं। मतलब क्या हुआ कि जब भी आपका तत्काल में टिकट बुक करिएगा तब कटेगा तो कन्फर्म, अदरवाइज पैसा कट। और यहाँ सबसे प्लस बेनिफिट, आपको जितना भी पैसा कटा है ना, एक ही एक पैसा आ जाएगा, एक रुपया भी यहाँ पर आपको नहीं कटने वाला है। लेकिन अगर आप कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन में टिकट दीजिएगा तब कन्फर्म हो जाएगा, तब ठीक है, कन्फर्म नहीं होगा तब दोस्तों वहाँ पर इंडियन रेलवे तत्काल टिकट कैंसिलेशन चार्जेस 60 रुपया काट लेगी, प्लस GST चार्ज भी काट लेगी। लेकिन अगर आप टिकआउट किए हैं सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, कन्फर्म बर्थ और अलॉटेड पे, तो सिर्फ और सिर्फ कटेगा तो कन्फर्म ही कटेगा, अदरवाइज आपका टिकट कटेगा ही नहीं।
और अगर मान के चलिए पेमेंट हो भी गया और अगर आपका टिकट नहीं भी कटा तब आपका एक एक रुपया पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, अब हम चौथा बात करते हैं। मान के चलिए कि कोई लोग जिनको पता नहीं होता वो दोनों ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, उनका क्या हुआ? उनका सिंपल, उनका भी वही हो जाएगा जो दूसरा हुआ है। मतलब कि अगर कन्फर्म कटने वाला होगा कन्फर्म कर जाएगा, अदरवाइज बेटिंग में चला जाएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको चारों के बारे में बता दिए, आप टिकआउट करें, पहला में टिकआउट करें, दूसरा में टिकआउट करें, टिकआउट ही नहीं करें, या फिर दोनों में टिकआउट कर दें। तो अब हम बताते हैं अपना ओपिनियन आपको किस पे टिकआउट करना है। देखिए, सबसे पहले बात मान लीजिए कि अगर आप वेटिंग में टिकट काट रहे हैं तब ज़्यादातर वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होती है, और अगर कंफर्म भी हो जाती है ऐसा बात नहीं है, चूँकि मैंने भी अपना रिलेशन में तत्काल टिकट बुक किया हुआ है, 15 नंबर तत्काल वेटिंग चल रहा था, वो टिकट कंफर्म हो गई। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो टिकट कंफर्म हो जाएगा, लेकिन भैया वो टिकट कंफर्म हो गई। तो आपको लगता है कि मेरे को जाना बहुत ही ज़रूरी है, और अगर आपको 60-70 मायने नहीं रखता है तब दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ टिकआउट कहाँ कीजिए, कंसीडर प्रोटो अपग्रेशन में। उसमें होगा क्या, अगर कंफर्म कटने को रहेगा कंफर्म कर जाएगा, अगर कंफर्म नहीं कटने रहेगा तो मान के चलिए अगर आपका एक दो नंबर भी वेटिंग लग गया तब दोस्तों हो सकता है वो आपका टिकट कंफर्म हो जाए। और ऐसा नहीं है कि तत्काल टिकट बिल्कुल नहीं कंफर्म होती है, कंफर्म होती है 5 नंबर तक 10 नंबर तक, इतना नंबर तक तत्काल कंफर्म हो जाती है। सीजन इस समय नहीं कंफर्म होती है, लेकिन जनरली नॉर्मली कंफर्म हो जाती है तत्काल टिकट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ मेरा टिकट कटे तो कंफर्म ही कटे, अदरवाइज कटे ही नहीं, तब आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे क्लिक करना है, बुक ऑन इफ कन्फर्म बर्थ अलाउडेड। इसमें क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ कटेगा तो कन्फर्म ही कटेगा, अदरवाइज कटेगा भी नहीं। और अगर मान के चलिए कि पेमेंट हो भी गया तब दोस्तों एक रुपया आपका पेमेंट आ जाएगा, और वो भी अब 48 घंटा के अंदर ही आ जाएगा। इंडियन रेलवे यहाँ पर अपडेट कर दिया है, आपका कंसिडर फॉर ऑटोग्रेशन में टिकआउट कीजिएगा। अगर वेटिंग टिकट कट गया तब दोस्तों वो पैसा आने में हो सकता है 4-5 दिन लेट होगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ बुक ऑन कन्फर्म बर्थ अलाउडेड में टिकआउट किया दोस्तों आपका एक रुपया आ जाएगा, और वो पैसा 48 घंटा के पहले ही आ जाएगा। ये आपको यहाँ पर होता है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको दोनों में बता दिया कि किस पे टिकट करना चाहिए, किस पे नहीं टिकट करना चाहिए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कंफर्म टिकट चाहिए दूसरा वाला पे क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं वेटिंग में चल जाए 60-70 कटे कोई प्रभाव नहीं है, कंसीडर फॉर ऑटोग्रेशन में टिकट कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, आज आपको यही जानकारी देनी थी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।